अंदर जाने से पहले मैं आपको आउटसाइड व्यू चेक करवाता हूँ, जो एक साइड पे है, ये आउटसाइड एरिया है सारा। और यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं लोगों के बैठने के लिए। ये सारा इसका आउटसाइड एरिया है। सामने रखा जी टेप पेज। और ये सामने है जी वाटर फ्रंट प्लेस, अभी चलते हैं वहां पे। जी चिल्ड्रन प्ले एरिया, और लोगों ने रखी हुई है जिसे सांड कहते हैं, जो मिट्टी होती है बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। शाम का टाइम है और परिंदे भी आसमानों पे, लोग इस टाइम काम छोड़ के ना यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए भी आते हैं। Brown gallery, अंदर चलते हैं। ये शिप डिजाइन है, इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री है ये यहाँ पे लिखा गया है। ये देख रहे हैं वाइल्ड डंडी योर्स डिजाइन शिप फॉर सिटी जो है।
ये सब इसके बारे में 20th century। और ये है जी द गोल्डन फाइबर, इसकी जो हिस्ट्री है और सब यहाँ पे लिखा गया है। कितनी प्यारी चेयर है जी, और इसकी हिस्ट्री देखिए। वाह, पिछले 200-300 साल पुरानी ये चेयर है। इसे कहते हैं हिस्ट्री। ये जितनी भी हिस्ट्री इनकी जो जो वर्ल्ड वार में और जो जितनी भी जंगें लड़ी गई उसके हवाले से यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। चीज़ों की आप लोग हिस्ट्री तो चेक करें, पिछले 200-300 साल पुराने ये जो यहाँ पे जितने भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसका देखेंगे विंडो ड्रेस सेकंड वर्जन 1980 में। बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। और ये चेयर देख के तो ऐसे ही लगता है कि उस टाइम की जो क्वीन थी या किंग था उस चेयर पे बैठा करता था। ये इसकी हिस्ट्री भी होगी। और नीचे अबाउट 1900 ये चेयर पिछले 300-400 साल से ऐसे इन लोगों ने अपनी ये चीज़ें संभाल के रखी है हिस्ट्री के तौर पर।
देख सकते हैं कि हर एक चीज़ की उसकी एक हिस्ट्री में उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ पर। डिजाइन फॉर द शॉम्पलिन फैब्रिक 1933। ये देखिए जी, ये है देखने वाली चीज। कितना ही पुराना ये दौर का, जिसे आप ताज, सर का ताज कह सकते हैं। इसके भी ये सॉरी हिस्ट्री लिखी गई है। यहाँ पे एक मूवी लगाई हुई है इन्होंने जो कि एक हिस्ट्री पे बनाई है। सॉरी, उस दौर का देखिए, इसकी ना एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया और पेंटिंग के तौर पे बनाई गई। ये जो आप टेप रिच है, इसकी हिस्ट्री के बारे में ये लिखा गया है। और ये इस और टेप रिच के बारे में ये कैसे ये बिल्ड किया गया और कितना अच्छा लगा इस। ये ब्लॉग के साथ मैं आपको टेप रिच के बारे में भी आप
गिरफ्त जो जितने भी डंडी के लिए डिज़ाइन करने के लिए एवरी सिंगल थिंग के आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी यहाँ पे हिस्ट्री ना हो। ये क्लिफ हाउस हर किसी के बारे में इतना लंबा चौड़ा मैं पढ़ के तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा सकता हूँ कि इनकी हिस्ट्री कितनी लंबी है। जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है, भी छोड़ी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। 1975 जो क्लास का कितनी पुरानी ये चीज़ें हैं और कैसे इन्होंने संभाल के रखी हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है इन लोगों की और इस सूट की देखें जी 1995। तो सामने ये एक ड्रेस है जी, ये भी देखिए
ये एक बुक के तौर पे सारी डिज़ाइन की गई, जितनी भी फेमस जगह है स्कॉटलैंड की हो। स्कॉटलैंड तो वैसे सारा ही बहुत ही प्यारा है, लेकिन हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। और ये देखिए सामने स्कॉटलैंड के जितने भी ब्रिजेस हैं और जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ये पिक्चर डिज़ाइन की गई है, और इनके भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री आप सामने देख सकते हैं। देखने में तो ऐसे कुछ डिफरेंट किस्म के ना पौधे लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर से देखिए जी म्यूजियम को। ये नीचे कैफेज हैं, कैफेज और शॉप्स वगैरह बनाई गई हैं। मैं इससे भी अच्छा दिखाऊंगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा था। होपफुली आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।